जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, अभी बचे हैं सुबह की 8 और बेबी जो है जस्ट अभी वही उठा हुआ है, तो उसके साथ ही मैं थोड़ा खेल रही थी। आप सभी के साथ शेयर करूंगी नवरात्रि का रूटीन। और देखिए यहाँ पर बेबी जो है बस सोने ही वाला था। गुगु। तो फ्रेंड्स, जो श्रृंगार मैंने किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नवरात्रि स्पेशल श्रृंगार होगा फ्रेंड्स। पोशाक जो है वो मैंने इनके पहना दी है, और हमारी लाडली की भी बहुत प्यारी पोशाक है। लास्ट जो शॉपिंग वीडियो था उसमें मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करी थी, तो वही पोशाक आज मैं उनके पहनाने वाली हूँ और सभी बहुत प्यारे लगेंगे। तो ज़रूर से वीडियो फ्रेंड्स एंड तक वॉच करें। और साथ ही हमने नवरात्रि जो है कैसे सेलिब्रेट की, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है अभी कोरोना टाइम है, घर पर जो कन्या वगैरह हैं काफ़ी लोग नहीं भेजते हैं हर घर पे, तो हम गए थे मंदिर। पास में ही एक मंदिर है, शीतला माता मंदिर है वो, और वहाँ पर ही हम गए थे। तो जो मंदिर के बाहर कन्याएँ बैठी रहती हैं उन्हें ही भोग और जो भी प्रसाद वगैरह था, जो भी उन्हें देना था, सब कुछ हमने वहीं पर दिया। हमने इस तरह से नवरात्रि जो है, जो नवमी का दिन था, उस दिन सेलिब्रेट किया आप सभी के साथ फ्रेंड्स। वो सारी झलकियां जो है मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड में हम जहाँ भी मंदिर गए थे वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली हैं, तो वीडियो के एंड में आप सभी वो चीज़ें देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू का जो श्रृंगार है वो पूरा हो चुका है, और यहाँ पर ये लाडो नाम का जो नेकलेस है वो मैंने मंगवाया था, तो वो मैंने इनकी पगड़ी पर लगा दिया है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू। और यहाँ पर हमारी लाडली का श्रृंगार होगा, तो ये पोशाक इन पर इतनी प्यारी लग रही थी, ये येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था, और बहुत सुंदर सा इनका भी श्रृंगार हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये मल्टी कलर्ड कंगन जो है वो मैं इनके पहना रही थी, और सभी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो देखिए कुछ इस तरह से सेट करके मैंने ये जो मल्टी कलर्ड कंगन है वो इनके पहनाए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, और काफ़ी सुंदर श्रृंगार हुआ था आज के दिन। तो देखिए हमारी लाडली को इस तरह से जो पोशाक है, कंगन है, वो मैंने पहना दिए हैं, और चुनरी जो है इनकी आज अलग तरह से हम ड्रेप करने वाले हैं। तो जिस तरह से साड़ी में हम प्लीट्स बनाते हैं उस तरह से यहाँ पर मैंने प्लीट्स बना ली थी, और बस फिर मैं जो इनकी चुनरी है वो सेट कर रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी हमारी लाडली। और यहाँ पर ये जो इयररिंग्स हैं बस वो अब इनके लगा देंगे, तो एंड में आप श्रृंगार देखेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत प्यारा सा इनका श्रृंगार हुआ था। तो देखिए यहाँ पर इनके जो हेयर्स हैं वो अब सेट कर दे रही हूँ, और बस उसके बाद यहाँ ये जो बोरला है वो मैं लगा दूँगी। तो ये जो लड्डू की पग है वो गिर गई थी, तो बस इसे मैंने सेट किया और ये बोरला लगा दिया था। उसके बाद देखिए ये चुनरी इस तरह से मैंने इन्हें उड़ा दी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी लाडली। आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं, और आज नवरात्रि के दिन तो एक अलग ही रूप लग रहा है इनका, तो बहुत प्यारी लगी मुझे फ्रेंड्स। ये जो पीछे आप राधा कृष्ण जी का चित्र देख रहे हैं वो मैंने लिया था वृंदावन से, तो बहुत प्यारा सा एक सीनरी है वो, बहुत सुंदर सीनरी लगी थी मुझे, तो वो मैं वृंदावन से लेकर आई थी। वृंदावन ब्लॉग अगर आपने नहीं चेक किया हो तो वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करें। और यहाँ पर गोपाल का भी श्रृंगार हो चुका था, तो गोपाल तो छोटे हैं, जल्दी ही उनका श्रृंगार हो जाता है, इसलिए मैंने उनका कंप्लीट श्रृंगार वीडियो नहीं दिखाया है। और अब थोड़ा कैमरा पास करके आप सभी को दिखा देती हूँ हमारे लड्डू और लाडली का श्रृंगार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं हमारे राधे गोविंद जी के, लड्डू के, गोपाल जी के, लाडली के। और उसके बाद बस प्रसाद जो है वो मैंने रेडी किया, तो प्रसाद बना जब मैं बना रही थी वो क्लिप्स मैं नहीं, वो वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो यहाँ पर जब मैंने भोग लगाया था वो वीडियो थोड़ी सी
शूट कर ली थी और आप सभी के साथ शेयर की है। उसके बाद हमारे कृषु को भी बहुत प्यारा से जो पोशाक है, बहुत प्यारे से वस्त्र ने पहनाए थे। तो ये जो पोशाक है फ्रेंड्स, मैंने ली है फ्लिपकार्ट से। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्रसाद जो है कृषु को दिया और वह कृषु जो है वह भोग लगा रहे थे, तो हलवा खा रहे थे। हलवा थोड़ा सा पूरी के नीचे गिर गया था तो कृषु को बहुत पसंद आया, बस मुझे यही लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर बेबी जो है वो बहुत इंजॉय कर रहा है। बेबी को रेडी किया हमने और सभी के लिए जो प्रसाद देना था हमें कन्याओं को, वो मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया था और हम रेडी हो रहे थे मंदिर जाने के लिए। तो सब फिर पैकिंग की, जो भी प्रसाद हमने बनाया है वो रखा साथ में और उसके बाद हम गए थे मंदिर। तो मंदिर की भी जो सारी छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड की है। तो फ्रेंड्स, हम सभी मंदिर आ चुके हैं और पास में ही घर के शीतला माता मंदिर है और बस अभी हम वहाँ पर ही पहुँचे हैं। तो शाम के अराउंड 6-7 बजे हम आए थे यहाँ पर। तो देखिए कितनी प्यारी लाइटनिंग हुई है और ऐसा लग रहा था मानो मेला ही लगा हो, इतना प्यारा इतना सुंदर वहाँ पर जो सभी सजावट थी, बहुत ही प्यारा सा दृश्य था। और बस अब हम अंदर जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए और उसके बाद हमने जो कन्याएं हैं वहाँ पर बाहर जो भी बैठे हुए थे उनको भोग प्रसाद वगैरह दिया था। तो यहाँ पर हस्बैंड ने बेबी को पकड़ा हुआ था और हम आ गए हैं अंदर जहाँ पर हमने माता रानी के दर्शन किए। और देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरह से अलग अलग पंडाल जो हैं वो लगाए गए थे। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस तरह से बनाया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ छोटी छोटी यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं झांकी की वो हमने ली थी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेबी के कारण फ्रेंड्स ज़्यादा चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाए, ज़्यादा जगह हम नहीं घूम पाए। हालांकि जितने भी पंडाल वगैरह लगे थे हमने सभी पंडाल में जाकर दर्शन किए थे और छोटी छोटी पिक्स जो हैं वो ले ली थी ताकि मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। और ये जो मान्यता के नारियल होते हैं वो यहाँ पर बांधे गए थे, तो हर जगह की छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ले ली है। ये काली माँ का पंडाल लगा हुआ था, भैरव बाबा जी का पंडाल था, तो शनिदेव जी का पंडाल था। तो हर जगह यहाँ पर आप छोटी छोटी जो झांकियाँ हैं वो देख सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर। सभी जगह के हमने दर्शन किए जितना पॉसिबल हुआ, छोटी छोटी पिक्स जो हैं वो हमने जगह जगह की ली। तो देखिए यहाँ पे भी हमने एक छोटी सी पिक ली थी और माता रानी के दर्शन किए थे। अगर आप भी गुड़गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा सेक्टर 13 में ही ये माता रानी का मंदिर है, शीतला माता मंदिर है। तो बहुत प्यारा सा मंदिर है, काफ़ी लोगों ने विज़िट भी किया होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे कलश वगैरह जो हैं, जो जवारे बोए जाते हैं वो यहाँ पर सभी रखे हुए थे, तो इनके दर्शन हम सभी ने किए। माना जाता है यहाँ की मिट्टी पर अगर आप कोई भी सिक्का जो है वो गड़ाते हैं, कुछ भी मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी होती है। तो वहाँ पर सभी यहाँ ये जो अपनी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला तो मैंने भी यहाँ पर एक सिक्का जो है वो मिट्टी में गड़ा दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर फिर आगे भैरव बाबा की झांकी थी, तो वहाँ के दर्शन किए और बस उसके बाद हम आ गए थे एग्ज़िट की तरफ। और फिर जो हमने प्रसाद वगैरह हम घर से लेकर आए थे तो जितनी भी कन्याएं वहाँ पर थी उन्हें हमने दिया, क्योंकि आज के दिन जो है वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी होता है। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, जो बाहर गरीब कन्याएं हैं वो बैठी रहती हैं। तो इस बार घरों में जो कन्या हैं वो लोगों ने, जैसे कोरोना चल रहा है ये पैंडमिक के दौरान, सभी जो हैं प्रिकॉशंस ले रहे हैं, नहीं भेजते कहीं पर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो है वो अपना नवरात्रि में जो कन्या भोजन है इस तरह से किया। और बस इस तरह से जो गरीब कन्याएं थी जो बाहर बैठे हुए थे मंदिर के समय, उनकी भी मदद हो गई, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से कुछ हमने जो अपना नवरात्रि का दिन है वो बिताया। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये प्यारा सा श्रृंगार और जो हमारा नवरात्रि का छोटा सा व्लॉग था वो आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी ने कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट की और काफ़ी जो छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स हैं चैनल से जुड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कैसे
कन्या भोजन में एंजॉय किया। आप ज़रूर से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए अपने सुझाव, अपने विचार और आपका एक्सपीरियंस। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।